हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स को लेकर। एक्चुअली हम जब किसी से बातें करते हैं, अपना कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो हम टू टाइप से करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्बली एंड द सेकेंड वन इज़ रिटन फॉर्म। वर्बली हम ओरली कुछ भी बोल देते हैं, उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, बट राइटिंग के लिए हम लोग, अब तो व्हाट्सअप हो गया है, ईमेल हो गई हैं, हम रिटन फॉर्म पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। बट बीइंग अ टीचर, मैं अपने छोटे बच्चों से लेकर शुरू करूँगी, जो पीजी क्लास से नर्सरी क्लास से एडमिशन्स होते हैं, उनकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, जो एक पेंसिल को होल्ड नहीं कर पाती। और हमारा प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि बच्चा जल्दी से फॉर्मेशंस करना शुरू कर दे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लैंटिंग लाइन से, स्लीपिंग लाइन से एंड स्टैंडिंग लाइन से। धीरे धीरे हम फिर कर्व पर आते हैं और फिर हिंदी के जो स्वर हैं उनको शुरू करते हैं। लेकिन वहाँ तक भी पहुँचने के लिए बच्चे की फिंगर्स अभी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। वो एक स्टिक की जो पेंसिल है उसको पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उनके लिए हो सकती है। सो आज मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि बच्चा पेंसिल को अच्छे से होल्ड कर पाए और बार बार उसे मूव ना करे। ये रबर बैंड है और ये यूजुअली हर किसी के घर में मिलता है। आप इस रबर बैंड को उसके दोनों फिंगर्स के यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। इसे बस एक रोल करना है अंदर से बाहर की तरफ। जब ये स्पेस आपको मिल जाएगी तो इस स्पेस में हम लोग पेंसिल को इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। अगर बच्चे को हम लोग हेल्प करेंगे, फिर वो जो जो ग्रिप है रबर बैंड की, वो पेंसिल को होल्ड कर लेगी और बच्चा अपनी दोनों थंब से और फिंगर से इस पेंसिल को अच्छे से पकड़ पाएगा। और जब हम उसको बोलेंगे कि आप इससे लिखो, तो वो इजीली पेंसिल को, उसके हाथों से छूटेगी नहीं पेंसिल। आप इजीली जो भी फॉर्मेशंस उसको देंगे वो इसको अच्छे से कर पाएगा। बार बार बच्चे की, अगर ये रबर बैंड नहीं भी होगी तो बच्चा बार बार अपनी फिंगर्स को इधर उधर घुमाएगा और हो सकता है पेंसिल की ग्रिप भी उससे छूट जाए। तो ज़रूरी है कि बच्चा जिस भी काम को कर रहा है उसको अट्रैक्टिव बना दीजिए, जिससे कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेकर के उस काम को कर पाए। सभी चीज़ें एक साथ होना पॉसिबल नहीं है, तो काइंडली गिव टाइम टू योर चाइल्ड। अपने बच्चे को टाइम दीजिए कि जिससे कि वो धीरे धीरे उन चीज़ों को कर पाए। हम एक साथ उस बच्चे को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखा सकते हैं। इट टेक्स टाइम एंड ऑलवेज लर्निंग टेक्स टाइम। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप इस चीज़ को थोड़ा फॉलो करेंगे और अपने बच्चों की राइटिंग पर फोकस करवाएंगे।